फंगामा बिहार। मुमरा में पहली बार मॉल जैसा किड्स प्ले गेम जोन, जहां कार, बाइक, बास्केटबॉल, शूटिंग जैसे सभी गेम्स मिलेंगे। साथ ही साथ PS4 और VR जैसे बड़े गेम्स भी मिलेंगे। अपने बच्चों के साथ जरूर आए मॉल जैसा मजा लेने। ग्रे स्क्वायर, शॉप नंबर 73, MM वैली, कौसा। और हाँ, डिस्काउंट रेट्स पाने के लिए अब मेंबरशिप कार्ड भी अवेलेबल है। बाराबंकी के अयोध्या हाईवे पर डबल डेकर बस और ट्रक में हुई टक्कर, 18 लोगों की हुई मौत, 25 लोग हुए घायल, मरने वाले ज्यादातर बिहार के हैं। ट्रैफिक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बुधवार 28 जुलाई को सुबह तड़के बाराबंकी के अयोध्या हाईवे पर रामसनेही घाट इसी इलाके में एक डबल डेकर बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। कैसे ट्रक अनियंत्रित हुआ, किस वजह से ट्रक ने टक्कर मारी, इसका कारण अभी पता नहीं चला है, मगर ये दुर्घटना इतनी भीषण थी कि डबल डेकर बस में सवार 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 लोग बुरी तरह से घायल हुए। यहाँ पर प्रशासन द्वारा 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, घायलों को लखनऊ के ट्रामा अस्पताल में जो है रेफर किया गया है। ये जो मृतक हैं 18 लोग, इनमें से 13 की अब तक शिनाख्त हो चुकी है, अन्य लोगों की शिनाख्त किए जाने का काम चल रहा है। वहीं बताया जाता है कि ज़्यादातर लोग जो है बिहार के थे, जो कि हरियाणा और लुधियाना से घर वापस लौट रहे थे, और ये सभी मजदूरी करने वाले लोग थे, यानी गरीब तबके के लोग थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों को 2 लाख की मदद और घायलों को 50,000 की मदद देने का ऐलान किया है। हरियाणा के पलवल से आ रही थी गाड़ी, वहाँ पे हिसार और पलवल में इसमें यात्री चढ़े थे। काफी 2 बसों के यात्री एक ही गाड़ी में वहाँ बैठा दिए गए थे, उसके बाद वो जा रहे थे, ये बिहार जा रहे थे। बिहार के कई जिलों के इसमें यात्री थे जो जा रहे थे, और उसके बाद इसका कुछ दूर पहले भी पहले एक बार टायर पंचर हुआ था, उसको रिपेयर करके ये लोग आगे बढ़े, तो यहाँ पे पुल के पास इनका एक्सेल जो है गाड़ी का वो टूट गया, और करीब 7-8 बजे के करीब, और तब से ये गाड़ी खड़ी थी। और उसके बाद पीछे से एक ट्रक आया रात में करीब 12:45 बजे, और उससे एक्सीडेंट हुआ, और बाकी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, क्रेन मंगा करके गाड़ी को हटाया जा रहा है, और उसके बाद बाकी कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये पंजाब में हरियाणा में काम करने गए थे, जो किसानी का काम करते हैं, बिहार के मजदूर के रूप में थे, और वो लोग गए थे, उसके बाद वहां से लौट के आ रहे थे, तो दो एक बस में कुछ लोग बैठे थे, दूसरे बस में पलवल में कुछ लोग बैठे थे, तो दोनों बसों के यात्रियों को एक ही बस में कर दिया गया था, और वहां से ये लोग जा रहे थे अपने बिहार घरों को जा रहे थे।